हमन आथन वार्ड के 60 नंबर के जनता से पूछथन, चंद्रशेखर वार्ड नाम है ओकर, जनता से पूछथन के वहाँ के जो पार्षद है ओकर काम कैसे टाइम के है, अपन जनता के प्रति ओकर का रुझान है। तो भैया राम राम का। जय जय राम जी। का नाम है? मोर नाम शालिक राम। तो साहू जी कौन सा वार्ड के जी अपन? 60 नंबर वार्ड क्रमांक 60। नाम कहेगा साठ के? आजाद चंद्रशेखर, आजाद चंद्रशेखर वार्ड। अपन के पार्षद जी का नाम है? सावित्री जयमोहन साहू। पार्षद प्रतिनिधि? पार्षद में जयमोहन साहू। अच्छा, तो ये बताओगा अपन के पार्षद जी अपन के लिए काम कैसे करते हैं वार्ड की जनता के लिए? बहुत अच्छा काम चला थे, मूलभूत सुविधा पूरा दे थे, सफाई नाली सफाई वगैरह, रोड रोड सब साफ सफाई अच्छा ठीक ठाक चला था, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम हुआ थे। अच्छा काम। बाकी अगर काम के प्रति देखो कितना नंबर दो, 10 में वाला? 10 में 5, 10 में 6, 10 में 8, 10 में 10? 10 में अपन 8 नंबर ही दे बोला, पूरा पूरा सही चला था। कोरोना टाइम एकदम ख्याल रखे अपन के? सही से करी सो, कोरोना में बाटी से चावल दाल वगैरह गरीबों में जो बटना चाहिए वो सब बाटी वट काम भरपूर काम करे। हाँ, भरपूर काम करे हैं। आइए दो चार दिन सब तापमान के कारण है भैया देश यादव। यादव अपन ही वाट के? हाँ। का है पार्षद के नाम? सावित्री जयमोहन साहू। अच्छा, हमारे वार्ड पार्षद है और बहुत बढ़िया ढंग के सक्रियता से अपन जिम्मेदारी के निर्वहन करते हैं और हमें जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए जैसे कि रोड सफाई नाली सफाई पेयजल के सुचारू रूप से व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से अपन कार्यभार जब से संभाले हैं तब से ये बहुत सक्रियता के साथ अपन कार्य के निर्वहन करते हैं और सुख दुख में भी वार्ड के जनता के साथ तत्परता के साथ खड़ा होते, मतलब खुश अपन वार्ड के जनता। 10 में से मोर हिसाब से 10 नंबर मिलना चाहिए, काबर कि कोरोना पीरियड में बहुत सारा पाबंदी के वजह से कुछ काम प्रभावित रही से और ये तो हमारे भारतवर्ष में भी ये थोड़ा से परेशानी रही से, ओकर बावजूद वार्ड के जनता के प्रति अपन जिम्मेदारी बहुत बढ़िया ढंग से निभावत है और आगे भी उम्मीद है कि यही ढंग से जनता ओकर से प्यार करी और अपन जो परेशानी है जो भी परेशानी है बेझिझक हमन जातन और हमर कामला वो करते भी। का नाम बता दिया अपन? धनेश। तो भैया का नाम है? भूपेंद्र साहू। यही वार्ड के हो? यही वार्ड के। और का नाम है वार्ड के अपन के? वार्ड चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60। अच्छा, पार्षद जी का नाम का है? पार्षद के नाम जयमोहन सावित्री साहू। अच्छा, तो अपन वार्ड के पार्षद से कैसे खुश हो जी, मतलब व्यवस्था कैसे है वहाँ का? हमने बहुत खुश हैं कि हमारे वार्ड में काम अच्छा होते हैं, साफ सफाई भी कार्यक्रम अच्छे चले थे और समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या जो होती थे हम प्रयाग के पार्षद से मिल के काम करवा थे। पार्षद बात ना सुनते काम होते, मतलब वोट दे रहे हो अपन? हाँ, वोट हो। तो आगे पार्षद ही पार्षद चाहिए? हाँ, आगे भी पार्षद चाहिए। कितना नंबर दिया? 10 में से? 10 में से हमारा 8। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 में रविंद्र राजपूत, एक बार फिर से आपके सामने लाइव हुआ हूँ। आज हम पहुंचे चंद्रशेखर आजाद वार्ड में, वार्ड क्रमांक 60 है। हमने आज यहाँ के लोगों से सर्वे किया है, लोगों से पूछा है कि आपके वास्तविकता यहाँ की क्या चीज़ें हो रही है। आज हम पहुंचे हैं सरकारी राशन दुकान में, ये चंद्रशेखर वार्ड का इकलौता सरकारी राशन दुकान है। आज हम इसे जानेंगे कि लोगों को क्या क्या सुविधा प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ क्या क्या लोगों को सामान दिया जा रहा है। सर, आप यहाँ के संचालक हैं, सेल्समैन भी आप ही हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? प्रणय कुंभलकर। प्रणय कुंभलकर। प्रणय जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? 10 साल, 10-12 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। आपसे पूछूं कि सर टोटल कार्ड की जनसंख्या कितनी है, मतलब टोटल कार्ड कितने हैं? 3-3.5 हज़ार के लगभग, सब कुछ ओवरऑल मिला के 3.5 हज़ार है। तो सर ये बताइए, यहाँ की जो जनता है क्या क्या सामान दे रहे हैं आप? सब मिल रहा है अभी, चावल शक्कर नमक चना सब चीज़ मिल रहा है। चना तो मुफ्त में बांटी जाती है? चना मुफ्त है, नमक मुफ्त में और आपका शक्कर का पैसा लगेगा। अच्छा। और चावल का सर मिट्टी तेल का क्या कुछ बताएंगे? मिट्टी तेल आखिरी में वितरण होता है, अभी आ गया है, अभी होगा वितरण। कोविड-19 को देखते हुए सर क्या क्या व्यवस्था की है? सर यहाँ टोकन का सिस्टम है, सैनिटाइजर है, गोला
सोशल डिस्टेंसिंग का बना हुआ है। अगर जो बिना मास्क लगाए आता है सबको बोलने बोलते हैं सर, अगर फिर भी कोई मास्क नहीं लगाया है तो उनको राशन नहीं देते, टोटल बंद रहता है। अच्छा सर, मैं कार्ड भी जमा नहीं होता, टोकन भी नहीं देते उनको, मतलब टोटल मना रहता है, टोटल मना कर उन्हीं को देंगे। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, एकदम इसको आप बताइएगा। अभी हमने सर्वे किया है तो हमें सबके सोर्सेज से पता चला है कि जो बाहर के जो लोग हैं वार्ड के अंदर, जो उनका घर दूर रहता है, राशन दुकान से दूर रहता है लगभग 3-3.5 किलोमीटर, क्योंकि बड़ा एरिया है और काफ़ी आबादी वाला ये वार्ड है, तो सर कुछ लोगों की शिकायत ये भी आ रहा है कि हमको धूप में खड़ा रहना पड़ता है और साथ ही साथ दूरी से हमको तय करना पड़ता है राशन दुकान, इस पर आपको कुछ टिप्पणी? नहीं सर, इसके लिए सर दूरी क्या, 1-1.5 किलोमीटर वार्ड को इतने किलोमीटर का दो ज़्यादा ही रहता होगा, टोकन देते हैं, टोकन तो लेके जाना है उनको। अच्छा, खड़े रहने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद देख रहे होंगे, टोकन दे दिए, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, उनको पता रहता है टोकन में। तो मतलब आपके हिसाब से मतलब यहाँ पर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों का? टोकन सिस्टम चल रहा है सर, टोकन में कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्ड जमा करिए, आप टोकन लेके जाइए, 4 बजे आ रहा नंबर, 3 बजे आ रहा। अच्छा, उनको बता दिया जाता है। सर मेरा एक भी कहना है कि जहाँ पर आपने कहा 3,500 की जनसंख्या है, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत एक लिमिट परिसीमन सीमा होती है कि इतना वार्ड में इतनी जनसंख्या के हिसाब से इतना राशन कार्ड होना चाहिए, उस पर कुछ सर आपका फिर से बना? प्रणय कुंभल का। प्रणय कुंभल का। अच्छा, ये हमारे साथ प्रणय जी थे, संचालक सेल्समैन दोनों हैं, इन्होंने बताया कि वास्तविक चीज़ क्या है, लोगों की जो बातें हैं वो कहाँ तक सार गर्भित है और लोगों की जो सच्चाई है वो कितनी सच। जय जवाहर छत्तीसगढ़। मैं रविंद्र राजपूत एक बार फिर से चंद्रशेखर वार्ड के पार्षद जी के यहाँ पर हूँ, हमारे पार्षद सावित्री जगमोहन साहू। आज हम उनसे जानकारी लेबो कि वार्ड की जनसंख्या पर, वार्ड की जो पब्लिक है, जनता है, उखल ले का काम करेंगे है, और कोरोना समय में जो सुविधा वार्ड के जनता मतलब देना चाहिए वो गत का मात्रम दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो पार्षद हो आपन है, और धन्यवाद हम एक स्थिति देवो कि आपन हमें समय दे बात करे बस। तो मैडम, हमसे आपन से सवाल ये है कि कोरोना काल में अपन 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 वार्ड के लिए का काम करे हो? कोरोना काल में हम लोग हमारे वार्ड के लिए लगभग 2400 पैकेट बांटे हैं, और महापौर से भी मिला था 200 पैकेट उनको भी, और जितना हो सके हम अपने अनुसार और शासन के द्वारा मदद किए हैं। मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आपने किया है। आपके वार्ड की जनसंख्या कुल कितनी है मैडम? हमारे वार्ड की जनसंख्या तो 40,000 से भी लगभग ज़्यादा है, और मेरा मतलब कि वोटर वाला जो है वो लगभग 13,772 है। और विकास का काम कंटिन्यू चल ही रहा है? विकास का काम तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कोरोना काल में, क्योंकि अभी नहीं के बराबर है विकास। संभावना आगे है कि हो सकती है ऐसा? हाँ, अगर कुछ आवेदन हमारे पास आया है जनता के द्वारा, और कुछ हम आवेदन लगा चुके हैं। अब देखो शासन की क्या है, विकास के काम के लिए हम लोग अपना प्रयासरत कर रहे हैं। तो आप मन थे यहाँ के पार्षद, अब हम पार्षद प्रतिनिधि जय मोहन साहू जी से बात करबो। बहुत बहुत धन्यवाद जय मोहन साहू जी, आप मन भाजपा के पार्षद हो छत्तीसगढ़ में, केंद्र राज्य सरकार कांग्रेस के, और एक आप पार्षद कांग्रेस पार्षद बीजेपी के। तो ये बताइएगा आप मन के जो जनसंख्या है, एक प्रकार से 45,000 वार्ड की जनसंख्या है, ओला देखते हुए कोरोना में अपन कद का बेहतर विकास करेंगे, खबर की मास्क सैनिटाइजर सब बांटते, इखर अलावा जो जांच केंद्र है ओकर व्यवस्थापन कैसे करेगा? जांच केंद्र के लिए जैसे अपन जो आंगनबाड़ी रही से हमारे वार्ड में लगभग करीबन 8 आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी में अपन जैसे 15-15 दिन के शिविर लगा रहे हैं, तो जैसे जोगीनगर है वहाँ पे आंगनबाड़ी में अपन करीबन 10 दिन के शिविर लगा रहे हैं कोरोना शिविर, और बाद त्रिमूर्ति मंदिर के सामने वाले हम शिविर लगा रहे हैं, और एक हमारे जो वार्ड के जो मुख्य है स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक शिविर लगे हैं कंटिन्यू करीबन 10 दिन से जारी है, वो हमारा प्रमुख स्थान है स्वास्थ्य केंद्र। लगभग वार्ड के सभी जन मालूम है कि वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य केंद्र है जो है, वहाँ पे अभी भी शिविर लगे हैं, वहाँ पे भी अभी टेंट वेंट लगे हैं, और समय सीमा वही करीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत जन के चेकअप होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कई जन अभी संकोच में कोरोना के नाम से चेकअप विकअप नहीं कराते कि हमन जाँच कराए जाबो तो हम मन के कोरोना निकाल दी करके, लेकिन जितना हो सके जागरूकता अपन जितना ज़्यादा हो सके फैलाते हैं, ताकि मोटिवेशन स्पीच देकर बतावा था कि कोरोना की जाँच कराओ आप मन के सुविधा है। अब मैं कोरोना के ध्यान रहते हुए संज्ञान आप मन के सफाई मिलेगा था, खबर की जनता सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही थी जनसंख्या, अगर कोरोना अगर आही तक गंदगी से आही
अगर साफ सफाई रही तो कोरोना भी नहीं रही। तो मोरे सवाल अपन से ये है कि पब्लिक के लिए जन पार्षद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते क्योंकि वो प्रतिनिधि और रहते, तो आप मतलब नगर निगम से कितना सफाई कर्मचारी उपलब्ध हो? नगर निगम से अभी वर्तमान में करीबन 2 महीना हो गए रनिंग, कम से कम अभी 35 मिले हैं। लेकिन ओकर पहले जब हम जब पार्षद बने रहें तो ओकर पहले का है हमार जो वार्ड रहीस है बहुत बड़े वार्ड रहीस है वृहद स्तर में मठ पुराना डुंडा और छोटे बोरिया ये का है बहुत बड़े वार्ड रहीस है करीब करीब 1 लाख की जनसंख्या के आसपास रहीस है। तो वो अभी जब चुनाव हुई से तो चुनाव के बीच में का है जब वार्ड विभाजन हुई से तो एक कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड बनी से और एक चंद्रशेखर वार्ड बनी से। तो वार्ड के पहली जो ठेकेदार रही से वो है करीबन 20 से 25 लेबर जिसे चलात रही से। तो जब वार्ड डिवाइड हुई से तो हमला करीबन 10 से 12 लेबर मिली से। अब वो वार्ड के हिसाब से नहीं रही से तो 12 लेबर में हम करीबन 8 महीना सफाई के नाम से बहुत डिस्टर्ब रहना, उन निगम से भी ठेका नहीं हुआ रही से करीबन 8 महीना। तो 8 महीना से लगभग मन बहुत ज़्यादा परेशान रहें। वो तो बीच बीच में अधिकारी मन चलो गैंग के जो कर्मचारी है वोला भेज के कम से कम थोड़े से संतुष्टि कर दे। और पब्लिक के बहुत ज़्यादा पहले शिकायत रही से लगभग 7-8 महीना तो मैं खुद भी परेशान रहा मैं करके मैं पहली बीजेपी का मतलब जैसे कार्यकर्ता भी रहे मैं। मतलब 8 महीना तो मैं बहुत परेशान रहा हूँ सफाई के नाम से। फिर जब से जिसे टेंडर हुई से तो टेंडर में कहा 35 कर्मचारी जब से दी से तो लगभग अभी 2-2.5 महीना में जैसे मेरे पास शिकायत आते आते आज इतना शिकायत मेरे पास कम हो गया कि मोला दिन में एकाध ही शिकायत आते कि भैया थोड़ा सा आप वो तरफ भेज देते हो ऐसे करके। लगभग मतलब 90% ना वार्ड में साफ सफाई एकदम बहुत बढ़िया हो गए। हमारे जो सुपरवाइज़र है वो भी अपन काम पूरा जिम्मेदारी से करत बेचारा। मैं बोले भाई मेरे पास शिकायत नहीं आना चाहिए, अगर शिकायत आई तो तोड़ ले मतलब ठीक नहीं हुई। इतना ध्यान में रख करके तो जितना हो सके सफाई के बहुत अच्छा ऊपर से बीच में हम लेटर भी डाले रहे कि हमला BSOP कॉलोनी के लिए अलग से सफाई के लिए होना करके। हमार जो वार्ड है वार्ड नंबर 60 में और जो नंबर 6 में 4 BSOP, जो नंबर 6 में 4 BSOP है तो वो चारों BSOP हमारे चंद्रशेखर वार्ड में आते। तो कल अलग से हम एक बार बहुत पहले हम आवेदन कर चुके रहें कि भाई हमला वहाँ के लिए अलग से टीम होना करके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे वार्ड में बहुत सारा BSOP के मकान बनाते हैं। तो साहू जी एक ठन आप मन के संज्ञान लग जगह लेकर था मैं गोकुल नगर से जो RDA के जो बिल्डिंग है वाइट वाले जो सफ़ेद रंग के बिल्डिंग वाले बने हैं वहाँ माँ शारदा इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल के जो ग्राउंड है वो लंग ले दारू भट्टी की भी व्यवस्था करेगी सरकार। तो वो जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है ओखर लिए बहुत दिक्कत है। इला मैं कोखर मुँह जवानी नहीं कहता कबर के मोर घर वहाँ तो मोला रात में अपन ड्यूटी करके आए माँ जैसे जनता मोला तो एक व्यक्तिगत हो जैसी लेकिन जो जनता है वो जब आना जाना करते तो वोला बहुत दिक्कत होते ओखर लिए अपन का व्यवस्था कर। और साथ ही साथ राशन दुकान में भी हाल ही में एक चर्चा मारी थी कि 4,500 जनसंख्या राशन काट के काट के हवा ओखर बारे में आपने का कहा? जो स्ट्रीट लाइट अब अपन जो गोकुल नगर में जो बोला था और अपन जो तिरित हो करीबन मतलब मोर जो स्टाफ है ओकर से मैं सर्वे कराया वार्ड के लाइट के लिए तो करीब करीब 400 से ऊपर लाइट के सर्वे हैं। तो वो 400 के लिए मैं करीबन 2 बार लेटर डाल चुके हूँ, एक बार निगम में डाल चुके हैं, एक बार वहाँ मुख्यालय में भी दे चुके हैं लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुए। और मात्र मोला अभी 8 महीना में मात्र 10 लाइट मिले, 5 लाइट एक बार मिली से, 5 लाइट एक बार मिली से। और रिक्वायरमेंट कम से कम 400 से ऊपर है। मतलब वार्ड में कई जगह ऐसे है जहाँ पे भी अभी आज भी अंधेरा है कई जगह। मतलब ये बात अलग है कि बहुत जगह पहले BJP शासन बहुत सारा लाइट मिलत रही से बहुत अच्छा से तो कार्यकर्ता रहते हुए मैं लगाया हूँ लेकिन पार्षद बनने के बाद अभी तक हमारा लाइट उपलब्ध सही तरीके से नहीं हो पाए। जैसे सिमरन के अंदर में भी बहुत सारा लाइट प्लस गोकुल नगर वाला में भी लाइट अभी तक नहीं दे पाए। पता नहीं क्या कारण से मुख्यालय में लाइट नहीं दे पाते या कुछ अधिकारी मन लेट कर। राशन दुकान पर कुछ बताओ? बिल्कुल राशन दुकान के पहले वही वार्ड वाला ही भी है जैसे मठ पुरना छोटे बोरिया और डूडा जैसे एक साथ रही से। तो पूर्व में मैं शायद वार्ड ला सेंटर समझ के छोटे बोरिया में ही राशन कार्ड सॉरी राशन दुकान जो राशन दुकान थे सरकारी वाला वो छोटे बोरिया में ही बना दी से। और दूसरा जो नया भी बना इसे ओला भी वहीं बना दी से, ये पिछले कार्यकाल में हो रही से। अब वो कहोगे कि हमार जब मठपुना वार्ड अलग हुई से तो हमार वार्ड में भी वर्तमान में सरकारी दुकान नहीं है, वर्तमान में सरकारी दुकान नहीं है। मतलब जो शासन के जो एक रीते ना अलग से जो भवन वन बनते वो भवन नहीं है। तो बाद में मतलब भैरव नगर में अभी है जो कि वो बेचारा रेंट से चलाते वहाँ। एक हम आवेदन दे हैं
खाद्य विभाग में कि हमला एक अलग से राशन दुकान और चाहिए करके करके 4,500 करीब ऊपर कार्ड हो गए, जिसमें पब्लिक भी बहुत परेशान रहते कई बार कि भैया जब जाते तो कई बार बंद हो जाते करके। हालांकि अपन काम जिम्मेदारी से करत राशन दुकान वाला, लेकिन कई बार शिकायत आ ही जाते कि भैया वो हमला बंद कर देते। जब बोला मैं पूछता हूँ राशन दुकान वाले तो भैया अभी सामान नहीं आया है लॉकडाउन की वजह से, गाड़ी वाड़ी रुके, ये सब चीज़ होकर छोटे 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 मुद्दारी से। तो आप मन थे पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ, दोनों जन अच्छा बात बताइस, एक विकास के बात बताइस, एक जना काम ला कैसे करना है और आगे हम लग के का बाधाएं आते ओला कैसे निकालना है, एक बारे में बताइस। दोनों से चर्चा करके एक संबर्ध हम संदर्भ अगर प्रस्तुत करबो तो एक चीज़ से हमें ये भी पता चल जाए कि सरकार द्वारा कैसे अपन वार्ड बन के कैसे जागृति ला कैसे बढ़ाना है, कहाँ पर कतका विकास करना है, ये दोनों चीज़ ला सरकार देखा थे और वार्ड के पार्षद देखा थे। तब तक के लिए मैं रविंद्र राजपूत कैमरा मैन नवीन दवांग के साथ न्यूज 72 रायपुर।